अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुक बुक विद अमन। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी, और ये रेसिपी बनाने वाली है मेरी मम्मा, और ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, तो इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए। कैरेट लिए हमने यहाँ पे 2 kg, इसको पहले हमने कद्दूकस कर लेना इस तरह से। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क 1 लीटर और इसको कवर करके कुक करेंगे हाई फ्लेम पे 10-15 मिनट्स के लिए। तो देखिए 15 मिनट्स हो गए, इसमें एक अच्छा सा बॉईल भी आ गया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगेन अब हमने इसको कवर करके कुक करना है मीडियम लो फ्लेम पे 2-3 आवर्स के लिए। तो 3 आवर्स हो गए हैं और मिल्क ऑलमोस्ट हमारा ड्राई हो गया है। इसकी इस तरह से कुछ शक्ल हो जाएगी, गाजर भी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर 3 कप्स। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर लीजिएगा। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर नहीं करना है, ओपन ही हम इसको कुक करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे कि मिल्क जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। हमने इसको इतना कुक कर लेना है और बीच बीच में आप इसमें चमचा भी चलाते रहें। तो देखिए मिल्क जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एग्स। यहाँ पे मैंने ये 3 एग लिए हैं, इसको हम एक साथ पूरा नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। अब इसको हम साथ साथ भूनते भी रहेंगे। और दूसरी तरफ हम एक पैन के अंदर 1 कप घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो घी ज्यादा ले लें। जब घी मेल्ट हो जाएगा देन हम उसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन कार्डिमम 2-3 और इसको हमने 30 सेकेंड्स के लिए बस सॉटे करना है। अब इसको हम हलवे के अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के साथ साथ अब हमने इसको भूनना शुरू कर देना है। फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे। आप जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे इसका टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा। तो जब तक घी सेपरेट ना हो जाए आप इसको भूनते रहें। तो देखिए हलवा बहुत अच्छे से भून गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे खोया 1 कप और इसको मिक्स कर लेंगे। तो हलवा हमारा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इसके अंदर हम डालेंगे किशमिश 1/2 कप, आलमंड्स एंड पिस्ताशियो आपको जितने रिक्वायर्ड हो अपने टेस्ट के हिसाब से डालने, काजू डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और इसको मिक्स कर लेंगे। तो
तो गाजर का हलवा रेडी है। इसको गार्निश करें बादाम, पिस्ते और खोए से। इसको गरम गरम ही आप सर्व करें और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।